हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केवीज किचन। डिनर में जब रोटियां बच जाती हैं, कभी एक बच जाती है, कभी डेढ़ बच जाती है, तो हम क्या करते हैं उसका, हम उसको एक टिश्यू में रैप करके और फ्रीजर में डाल देते हैं। उसके बाद जब तीन चार एक रोटियां हो गई तो उनको फ्रीजर से निकाल करके उनको थॉ करते हैं और फिर हम बनाते हैं रोटी का पोहा। हम यहाँ पे चार रोटियां ले रखी हैं। हमारे पास में प्याज है, हरी मिर्च है, करी पत्ता है, राई है, नमक है, थोड़े से बटर है और हरी धनिया है। सबसे पहले आइए हम कटिंग कर लेते हैं प्याज, मिर्च और हरे धनिया की। ये हमने ये प्याज लिया हुआ है, इसको हम बहुत बारीक चॉप कर देंगे। ये बस इसको अब हम किनारे रख देते हैं। इस रोटी को हम आप हाथ से थोड़ा तोड़ भी सकते हैं और नहीं तो एक बार अगर आप इसको मिक्सिंग कर देंगे तो बढ़िया इवनली ये पोहे के शेप में हो जाएंगे। ये हमारी रोटी हो गई मिक्स। ये देखिए अब इसका बनेगा पोहा। आप भी जरूर ट्राई करिए रोटी का पोहा, बहुत ही आसान, बहुत ही कन्वीनियंट डिश है। चलिए बनाते हैं रोटी का पोहा। तो इस कढ़ाई में हम सबसे पहले डाल देते हैं एक दो तीन तीन चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें एक 1/4 स्पून ऑफ राई डाल के ताकि उबले में डाल देते हैं हल्दी और उसमें डाल देते हैं करी पत्ता। बस उसमें हमने डाल दी प्याज, अब ये हमारी प्याज भी हो गई। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ये हमारे पास है मटर जो की आज हम गैस को सिम कर देते हैं और इसको सिर्फ 2 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं जिससे कि मटर थोड़ी भी पापन हो जाए। बहुत ही कन्वीनियंट डिश है ये बची हुई रोटियों का पोहा बना। और ये देखिए मटर पापन अब हो गई है। अब इसमें हम ये रोटियां जो डाल रही थी वो डाल देते हैं। चला करके थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं 1/4 स्पून। आप टेस्ट के हिसाब से डाल दें 1/4 स्पून सफिशिएंट। हल्का सा पानी का छींटा, पानी का छींटा सिर्फ इसलिए डालते कि रोटी थोड़ी सी कड़ी हो जाती है तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बस अब 1-2 मिनट के लिए इसको सिम के रखते हैं। ये हो गया, इसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं। बस ये आपका हो गया। अब इसको हम बंद कर देते और इसको 5 मिनट के बाद में इसको सर्व करेंगे। तो ये तैयार हो गया रोटी का पोहा, बहुत ही कन्वीनियंट डिश है। अच्छा बना, गुड। जब भी रोटियां बच जाएं तो आप उसका रोटी का पोहा बना करके खा।
सकते हो। आप इस रोटी के पोहे को जरूर बनाइए और अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि हर सैटरडे को जब हम अपना एक वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। आप हमको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।